हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम और आप सभी का नीलम जायका एंड लाइफस्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर चलती हूं एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में, जहां हर हिंदू धर्म के लोगों का सपना रहता है कि क्यों ना हम एक बार वहां से घूमाएं। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे रामेश्वरम मंदिर का दर्शन और इस मंदिर से जुड़े इतिहास, निर्माण और मान्यताएं और इसके अलावा कई जुड़े महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। रामेश्वरम मंदिर भारत के सबसे निचला छोर यानी दक्षिण भारत में बसा हुआ है। चेन्नई से 600 किलोमीटर और त्रिचुलापल्ली से 270 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर बसा हुआ है, जो एक बहुत ही सुंदर टापू है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी इसके चारों ओर से घिरे हुए हैं। इस प्राचीन मंदिर में प्रतिदिन आस्था और भक्ति का ऐसा सैलाब उमड़ता है जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप चेन्नई से बाई रोड आ सकते हैं, ट्रेन, या फिर रामेश्वरम का सबसे निकटतम एयरपोर्ट है मदुरई, तो आप प्लेन के सहारे यहाँ आसानी से पहुँचकर फिर बस या टैक्सी या फिर ट्रेन के सहारे आप रामेश्वरम आसानी से पहुँच सकते हैं। साथ ही आपको रास्ते में पंबन ब्रिज का बहुत ही बेहतरीन नज़ारे आपको देखने को मिलेगा, जो भारत का सबसे पहला और बड़ा समुद्री ब्रिज है, जहां पर समुद्र में बने ब्रिज से होकर ट्रेन या बस गुजरती है, जो एक लाइफ टाइम आपको एक्सपीरियंस रहेगा और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ रोडवेज का पुल भी है जो आपके साथ साथ चलता है, जो रामेश्वरम आइलैंड को इंडिया मेनलैंड को जोड़ने का काम करता है। तो इसे आप जरूर देखिएगा, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का नज़ारे बहुत ही शानदार होते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ, इस वीडियो में जो अभी आप देख रहे हैं सुबह 4 बजे का टाइम है। अगर आप दिन में पंबन ब्रिज पहुँचते हैं तो यहाँ का सीन कुछ और भी ज़्यादा खूबसूरत देख पाएंगे। तो चलिए, हम फाइनली रामेश्वरम पहुंच चुके हैं और यहाँ का रोड, गलियाँ आप देख रहे हैं लोगों से भरे हुए हैं। तो यहाँ पहुंचने के बाद आप डायरेक्ट होटल में स्टे कर सकते हैं। मंदिर के आसपास में बहुत से होटल बने हुए हैं तो आसानी से मिल जाएगा, और अगर आप किसी ऑटो या टैक्सी वाले को बोलते हैं तो एक अच्छा सा होटल या गेस्ट हाउस में आपको पहुँचा देगा। तो इस टाइप का आप होटल देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। थोड़े कॉस्टली तो है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो थोड़े से कॉस्टली होंगे। तो इस टाइप के रूम आपको 1000 के अंदर आपको मिल जाएगा 24 घंटे के लिए। तो यहाँ पर रुककर आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आप मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो चलिए, हम निकल चुके हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं रोड पर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल है। रास्ते में आपको काफ़ी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो सबसे पहले आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आप मंदिर के लिए लाइन में लगिए, क्योंकि मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप 4-5 घंटे से पहले मंदिर दर्शन करके आप नहीं निकल पाएंगे। और यहाँ पर मैं बता दूँ, रामेश्वरम मंदिर का जो गलियारा है, विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। तो चलिए, हम रामेश्वरम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। तो आप यहां पर बाहर से वीडियो या फिर फोटो ले सकते हैं, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो आपको कैमरा, मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो इस टाइम में, इस वीडियो में आप रामेश्वरम मंदिर जो है उसके आसपास का सीन देख रहे हैं। रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक एवं पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित यह मंदिर 4 धामों में से एक है। हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि चारों धाम यानी कि बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं यहां आस्था की डुबकी लगाने और 22 कुंड नहाने से सारी परेशानियां, बीमारियां और दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। रामेश्वरम में बसा यह विशालतम और प्रसिद्ध मंदिर 3 लोक का राजा भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि दक्षिण भारत में बना यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
इस मंदिर से लाखों करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। हर साल करोड़ों की संख्या में भक्तजन रामेश्वरम में दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर और रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण 15वीं सदी के राजा उदयान सेतुपति एवं नागौर निवासी वैश्य द्वारा मंदिर के गोपुरम का निर्माण हुआ। फिर 16वीं सदी में मंदिर के दक्षिण एक दूसरे हिस्से की दीवार का निर्माण एवं नंदी मंडप बनाया गया। फिर 17वीं शताब्दी में रघुनाथ किलावन और राजा किझावन सेतुपति ने चार धामों में से एक रामेश्वरम मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। 40 फुट ऊंचे दो पत्थरों पर इतनी ही बराबरी की एक खंभे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण कराया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है और यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है, जो दर्शकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों के द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है, जो उत्तर दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर एवं ऊंचाई 9 मीटर है। माना जाता है कि रामायण की घटनाओं में रामेश्वरम की बहुत ही बड़ी भूमिका है। यहाँ श्री राम ने भारत से लंका तक का राम सेतु निर्माण कराया था, ताकि सीता की सहायता के लिए रावण के विरुद्ध आक्रमण किया जा सके। कहा गया है कि श्री राम ने सीता को छुड़ाने के लिए इस मंदिर में शिव की उपासना की थी, और आज इस मंदिर उसी घटनाक्रम को वर्णित करता है। ऐसा माना गया है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करके श्रीलंका से लौटते वक्त भगवान शिव का इसी स्थान पर पूजा की थी। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि इस मंदिर में दर्शन करने से पहले आप समुद्र स्नान करके फिर मंदिर के अंदर बने 22 कुंड का जल से स्नान करना होगा। उसके बाद आप फिर से लाइन लगकर आप देवों के देव महादेव का दर्शन कर पाएंगे। माना गया है कि इस मंदिर में आकर जो भक्त सच्चे मन से अपनी मुरादें मांगते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। रामेश्वरम में आकर आप काफ़ी कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। इस मंदिर के अलावा और भी बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि साक्षी विनायक, एकांतरम मंदिर, सीता कुंड, अमृत वाटिका, विभीषण टेम्पल, राम तीर्थ, राम सेतु, धनुषकोडी के अलावा भी बहुत कुछ है जो आप यहाँ आकर घूम सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मंदिर दर्शन के बाद हम पहुँच गए हैं धनुषकोटी, जो पहले एक नगर बसा हुआ था, लेकिन 1964 में आए चक्रवात की वजह से यह नगर ध्वंस हो गया था। फिर कभी इसे बसाया नहीं गया। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। और यहाँ पर आप शंख आकार का आप देख सकते हैं, यह है राम सेतु। यहीं पर भगवान श्री राम ने रातों रात पुल बनवाकर लंका पर चढ़ाई की थी, और माता सीता को छुड़ाकर इसी रास्ते से लाया गया था। और यहाँ के नज़ारे आप देख सकते हैं, दोनों तरफ उफनती हुई समुद्र और बीच में बना यह सड़क, जो लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र है। आप कोई भी मौसम में यहाँ पर आइए, यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं आपका मन मोह लेगा। यहाँ आकर आप जिधर भी देखेंगे, आपको समुद्र और पानी ही देखने को मिलेगा, और देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, कोई अजूबा से कम बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो धनुषकोडी और राम सेतु को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ से जो अपना बॉर्डर है वो खत्म हो जाता है। यहाँ से आपको यू टर्न लेना होगा, क्योंकि इसके आगे आपको कोई रोड नहीं मिलेगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ पानी और समुद्र। और इसके थोड़ी दूर आगे एडम ब्रिज है, जो भारत और श्रीलंका का समुद्री मार्ग है, और यहाँ से श्रीलंका मात्र 18 किलोमीटर है। यहाँ आकर आप और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइए।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पर सब्सक्राइब करने का ऑप्शन बिल्कुल फ्री है।